काफ़ी अच्छी होती है। सब्जी वाला आया, सब्जी वाला आया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियड जल्दी आने वाली होम रेमेडीज़ के बारे में। देखिए, मैंने काफ़ी सारी अपने चैनल पर होम रेमेडीज़ बताई है जिसको लेकर आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। आपके काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट मुझे मिलते हैं कि आपने उन होम रेमेडीज़ को ट्राई किया है और आपको काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट उसके मिले हैं। तो आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पीरियड जल्दी लाने के लिए कुछ ऐसी रेमेडीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि काफ़ी सारी गर्ल्स की मुझे मैसेज आते हैं कि मैडम, हमारे पीरियड 2 महीने से 3 महीने से नहीं आए, 4 महीने से नहीं आए। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, इस केस में जो हम ये रेमेडीज़ यूज करते हैं यहाँ पर ये काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर आपके पीरियड 3 से 4 महीने लेट हैं, यानी कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है या फिर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। ये रेमेडी सिर्फ उन लोगों के लिए, उन गर्ल्स के लिए होती है जिनके पीरियड मिस हो जाते हैं, यानी कि 5-6 दिन से नहीं आ रहे हैं, या फिर पीरियड उनके रेगुलर होते हैं, हर मंथ आते हैं, लेकिन जैसे इस मंथ उनके पीरियड 6 से 7 दिन लेट हो गए, 8 दिन लेट हो गए, 10 दिन लेट हो गए, तो ऐसे केस में आप इन रेमेडीज़ को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड 2-2, 3-3 महीने से मिस है, तो ये रेमेडी वहाँ पर यूज आप नहीं कर सकते, वहाँ पर काम नहीं करेगी। क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि 2-3 महीने आपके पीरियड नहीं आने का क्या कारण हो सकता है, ठीक है? उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सिंपल ईजी होम रेमेडी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको हो सके। साथ ही साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर जाइए, मैसेज करिए, मुझे फॉलो करिए। वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके मैसेज है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गर्ल्स, पीरियड का टाइम पर नहीं आना हमारी लाइफ स्टाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल हमारी प्रभावित होती है अगर हमारे पीरियड मिस हो जाते हैं, टाइम पर नहीं आते हैं। देखिए, या तो हमें कहीं जाना है लेकिन पीरियड नहीं आ रहे, तो हमारे माइंड में काफ़ी सारी समस्याएं चलती रहती कि अगर हम गए और वहाँ पर पीरियड आ गया तो हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है? या फिर हम घर पे भी कुछ काम करते रहते हैं, तो मतलब हमारे माइंड में एक ही चीज़ चलती रहती है कि पीरियड कब आएगा, कब आएगा, क्योंकि पीरियड एक ऐसी चीज़ होती है हमारी लाइफ की जिसका टाइम पर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? चाहे वो लड़की हो, चाहे वो औरत हो, सभी के लिए पीरियड का रेगुलर आना, हेल्दी पीरियड आने के लिए एक रेगुलर पीरियड का रेगुलर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब भी हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पीरियड मिस होकर आते हैं, 2-3, 3-4 महीने तक नहीं आते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में, आपके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपका बहुत तेज़ी से वजन बढ़ रहा है या बहुत तेज़ी से आपका वजन कम हो रहा है, आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, आप अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपनी डाइट को चेंज कर रहे हैं बार बार, तो ये सारी चीज़ें होती है पीरियड को मिस करने के लिए, पीरियड पर डायरेक्ट प्रभाव डालती है। आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके पीरियड पर काफ़ी प्रभाव डालती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, काफ़ी सारे मेडिकल, अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हैं तो मार्केट में मेडिसिन भी आती है पीरियड को जल्दी लाने वाली, मैंने वीडियोज़ भी बनाई है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मेडिसिन से हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर छोटी छोटी एज की लड़कियाँ होती हैं 17-18 साल की, वो बोलते हैं मैडम हमारे पीरियड नहीं आ रहे, हम मेडिसिन ले सकते हैं क्या? देखिए, मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं, मेडिसिन आप बहुत कम केस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको कहीं जाना है और आपका पीरियड नहीं आ रहा है और आपको लेना ही लेना है क्योंकि आपकी मजबूरी, आपको कहीं जाना है उसके बाद, तो आपके पीरियड आना ज़रूरी है, तो इस केस में आप ले सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली आप घर पर रहते हैं, आपका डेली रूटीन घर से, ऑफिस या घर से, कहीं कुछ ज़्यादा आपको कहीं जाना नहीं है, बाहर ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, तो उस केस में आप होम रेमेडीज़ का यूज करिए, नेचुरल चीज़ों से आप अपने पीरियड को लाने की कोशिश करिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पीरियड लाने वाली एक ऐसी होम रेमेडी जिसको लेकर आपके पीरियड 100% आएंगे। ये रेमेडी उन लोगों के लिए जो एग यूज करते हैं, यानी कि जो अंडा खाते हैं, जो लोग अंडा नहीं खाते हैं उनके लिए भी आने वाली आगे वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, आप टेंशन मत लीजिए कि हम तो अंडा खाते ही नहीं हैं तो हम क्या करें अब, तो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं उनको आप यूज़ करिए, या फिर आगे आने वाली भी बहुत सारी ऐसी वीडियो जो आप यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो अंडा खाते हैं, ठीक है, जो अंडे का सेवन करते हैं। तो देखिए, आप अंडा खाकर अपने पीरियड को कैसे ला सकते हैं, सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, अंडा काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, इसमें काफ़ी सारी प्रोटीन पाए जाते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं, गर्मी बढ़ाने के साथ साथ हमारे हार्मोन्स को बैलेंस में करते हैं, ठीक है? तो अंडा पीरियड लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कैसे माना जाता है, अंडे के अंदर आपने देखा होगा कि सर्दियों में क्यों बोला जाता है कि आप अंडा खाइए जिससे आपकी बॉडी में गर्मी रहेगी, गर्मी पैदा होगी, तो उसी केस में आप पीरियड में इस चीज़ को करिए, क्योंकि अगर आपके पेट में जब गर्मी
गर्मी बनेगी, गर्मी बनने के कारण आपके पीरियड जल्द से जल्द आएंगे, तो आप यहाँ पर एग का सेवन करिए। अब इसको खाना कैसे, खाने का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि अंडे को आप कैसे सेवन करें जिससे आपके पीरियड आए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक अंडा लेना है, आपको उसको अच्छे से उबाल लेना है। ठीक है, उबालने का जो टाइमिंग होना चाहिए आपका 15 से 20 मिनट, अंडा कच्चा नहीं रहना चाहिए। 15 से 20 मिनट में आपका जो एक अंडा है वो अच्छे से उबल के तैयार हो जाता है। इसको उबालने के बाद आपको क्या करना है, बीच में से इसको कट करना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पर लेना है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च जो हमारे घर में होती है साबुत काली मिर्च, आप उसको कूट लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए, या फिर बना बनाया पाउडर भी मार्केट में मिलता है। तो काली मिर्च का पाउडर आपको कूट कर, जो हमने अंडे को जो हाफ हाफ किया है आधा आधा, तो इसको काली मिर्च के पाउडर को आपको ऊपर से उसके ऊपर लगा लेना है। साथ ही साथ आप इसमें अजवाइन का पाउडर भी डालिए, अजवाइन होती है अजवाइन को भी पीस लीजिए, उसका पाउडर बन जाएगा। तो काली मिर्च और अजवाइन का पाउडर आप अंडे के ऊपर डाल लीजिए और इसका सेवन करिए। आप एक अंडा आपको सुबह खाना है, एक अंडा आपको रात को खाना है। तो अगर इस तरीके से आप एक का सेवन करते हैं, जैसे मैंने बताया काली मिर्च और अजवाइन का पाउडर लगाकर, तो आपके पीरियड बहुत जल्दी आ जाएंगे। ये 100% इफेक्टिव है। अंडा काफ़ी गर्म होता है और हमारे पीरियड को लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, हार्मोन्स को बैलेंस में करता है। तो आप यहाँ पर एक दिन में 2 अंडे का सेवन कर सकते हैं, एक आपको सुबह लेना है, एक आपको शाम को लेना है रात को। और लेने का तरीका यही होना चाहिए, अजवाइन और काली मिर्च का पाउडर आप जरूर मिलाइएगा। काली मिर्च काफ़ी गर्म होती है पेट के लिए, वैसे तो काली मिर्च का जो प्रकृति होती है वो ठंडक प्रकृति की होती है, लेकिन ये हमारे पीरियड के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और अजवाइन तो काफ़ी अच्छा है हमारे पीरियड लाने के लिए, तो ये मिक्सचर आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे रिजल्ट ज़रूर बताइएगा आप करेगा इसका कि आपको क्या रिजल्ट मिला है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, जहाँ भी आपके ग्रुप्स हैं वहाँ पर आप शेयर करिए मेरी वीडियो को, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके, वो भी अपने मिस हुए पीरियड को जल्द से जल्द ला सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।